ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमें ये कहा गया था कि 24 घंटे आप कुछ भी नहीं करें, हमने क्या करना है? हमने उसकी कुछ दीवारें थोड़ी तोड़नी, वो किधर है किधर मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मतलब उन्होंने घरों का मुआसरा किया है और अंदर घुस गए हैं, जो उनके बच्चे चढ़े हैं। यहाँ पे कितनी खवातीन को मतलब ये एक खवातीन यहाँ एक वहाँ, ठीक है, और उसके बाद अगले वो जिधर आप वो वीडियो बना के ले आए ना वो जगह है, ठीक है। यानी कि अब आप इंसाफ की, हम इंसाफ की अपील करते हैं वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी, और बाला हुकाम जितने भी आए हम सब से झोली फैला के हम उनके साथ सामने खड़े हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम, आपका मेज़बान मोहिदुर रहमान चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीनो हज़रात, रावलपिंडी ज़िला रावलपिंडी से 50 या 55 किलोमीटर दूर एक मयाल गांव के अंदर बहुत ही दिलखराश और कहले के अंदोनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर ख़ानदानी दुश्मनी के कहलों को बेच चढ़ा दिया गया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 ख़वातीन को, 2 बच्चों को। इससे पहले ख़ानदानी दुश्मनी में हम देखते हैं कि मर्द जो हैं वही आड़े आते हैं इस चीज़ के। इसके अलावा शेखुपुरा के करीब एक गांव, वहां पर एक ही ख़ानदान के 32, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक दूसरे ख़ानदान के 5 से 7 अफराद ख़ानदानी दुश्मनी की रवश के अंदर कह लें कि जहाँ भाग हो चुके। हमारे साथ इस वक्त SSP ऑपरेशन तारिक विलायत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया, इसके पीछे जो अमल कार फरमा थे वो क्या थे। अस्सलामु अलैकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला। ये जितना अंदोनाक, जितना दिलखराज, जितना कहने की इसकी मजम्मत की जाए कम है, ये वाकया कैसे और क्यों रूनमा हुआ? लेकिन कि पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी और ये उसी का शनाख्त है जिसके नतीजे में ये दिलखराश वाकया पेश आया। ये दिलखराश वाकया कहने के इनका बिल्कुल चल रहा है, इससे पहले भी हमारी जो इतलात हैं कि इनके ख़ानदान ने दूसरे ख़ानदान पे अटैक किया और उसका उन्होंने बदला लेने की कोशिश की। सर अगर ये रवश इसी तरह से रही तो ये तो बहुत दूर तक जाएगी, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपने क्या लाया अमल तैयार किया कि इसको रोका जाए? देखें, पुलिस अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है और इंशाल्लाह जो मुजरिम इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। उसके लिए पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर छापामार कार्रवाइयाँ भी कर रही है और साथ साथ सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं ताकि जहाँ पे भी वो लोग छुपे हैं उनको उनके बिल से निकाला जाए और कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया। सर अभी तक आपकी इतलात के मुताबिक वो कितने लोग थे और कितने जो हैं वो आपकी गिरफ्त में आ चुके हैं? देखें, अभी तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त शेयर नहीं की जा सकती। मैं आपको इतना कहूँगा कि मुख्तलिफ जगहों पर छापों के जवाब में तकरीबन 4 के करीब जो लोग हैं गिरफ़्तार हुए हैं, उनमें से 2 से असला भी बरामद हुआ है और 2 जो हैं वो फैसिलिटेटर हैं मुजरिमान के। जी बिल्कुल सर, अभी आपने असले की वेपन्स का कहने के जिक्र किया तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब इस तरह की दुश्मनियाँ एक कह लें कि एक गांव अपनी अगोश में ले लेता है तो उसके बाद यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट हैं, इदारे हैं जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पर सर्च करें कि कितने वेपन्स हैं वहाँ पर, लाइसेंस भी हैं उनके या बगैर लाइसेंस के उन्होंने रखे हुए हैं। देखिए, वक्तन फ़वक्तन सर्च ऑपरेशन जो हैं वो PS 34 की हद में और बिलखसूस मियाल गाँव में होते रहते हैं। अभी 15 दिन पहले हमारा सर्च ऑपरेशन यहाँ पे हुआ था जिसमें काफ़ी मकदार में असला और मुलजिमान भी गिरफ़्तार हुए थे। इसके अलावा इश्तहारी मुलजिमान के लिए भी यहाँ पर छापे मारे जाते रहे और अभी रिसेंटली ये ग्रुप जिसने अभी ये एक सफाकियत की मिसाल कायम की है, उनका एक इश्तहारी जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। आपके कहने का मतलब है कि ये जो है इस तरह के जो क्रिमिनल हैं उनकी अमाजगा है ये वाला गाँव और यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन इस तरह से जितने भी ऑपरेशन जारी रहते हैं? देखिए, इस एरिया के सराउंडिंग में जंगलात हैं, दूर दराज इलाका है, ऐसा इलाका क्रिमिनल्स को नॉर्मली सूट करता है, लेकिन इस एरिया में एक प्रॉपर हिस्ट्री है आपसी दुश्मनियों की जिसकी वजह से पुलिस जो है वो खासकर इस एरिया की तरफ तवज्जो देती है सर्च ऑपरेशंस में और प्रिवेंटिव मेजर्स में। जी बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात हमारे साथ इस टाइम उनके बहुत ही करीबी रियलिटी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि वो क्या लगते थे और ये जितने भी मतलब 7 ख़वातीन थी, 2 बच्चे थे, वो इनके क्या लगते थे। ये उनके एक तरह से बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, ये हमें सारा वाकया से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुर्जमान नाम है मेरा, मैं अलदा रहशी हूँ।
तीन मेरी भांजी हैं, दो मेरी भाभी हैं और उनके बच्चे हैं, नौ डेड बॉडियाँ। हम चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करते हैं, वज़ीर आला से भी करते हैं, वज़ीर आज़म से भी करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, जल्द और जल्द इंसाफ दिया जाए। हमारे घर अब खाली हो चुके हैं, हमारे घर बिल्कुल, यानी कि हमें पता लगा कोई खवातीन नहीं बची घर में, कोई खवातीन जो घर मिलती कोई भी नहीं बची। तो चाचा मुझे ये बताएं कि जो अटैक किया गया था कैसे किया गया था? मतलब ये पहले नीचे एक घर है मेरा, मेरी बेटी का है जी, वहाँ पे मतलब कि एक लड़की को वहाँ पे मारा है, तो दूसरे बस फिर वो अचानक मतलब एक सारे इधर पहुँच गए हैं। तो वो कितने लोग थे? 25 से 30 बंदे थे। वो 25 से 30? हाँ जी। थोड़ा सा बस बता दें कि इस तरह यहाँ पे इतने ये मतलब उन्होंने घरों का मुआसरा किया है और अंदर घुस गए हैं, जो उनके बच्चे चढ़े हैं। वहाँ पे कितनी खवातीन को मतलब ये एक खवातीन यहाँ एक वहाँ, ठीक है। और उसके बाद अगले वो जिधर आप वो वीडियो बना के ले आए ना, वो जगह है। यानी कि अब आप इंसाफ की, हम इंसाफ की अपील करते हैं वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर आला से भी और बाला हुकाम जितने भी हैं, हम सबसे झोली फैला के हम उनके साथ सामने खड़े हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब से बार बार ये गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दे। वज़ीर आला साहब इसका नोटिस ले जी, हम इनका ये आवाज़ उठाने में भरपूर साथ देंगे। इनका मुतालबा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इनका भरपूर साथ दें, इनको इंसाफ फराहम करें। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारी अपील है कि हमें जितने भी सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो हमें इंसाफ फराहम करें। यही था कि उसने हमको रिस्क दिया कि मेरी बीवी फोत हो गई है तो आप मुझे छेड़छाड़, हमने बोला हमने छेड़ करेंगे। जिस टाइम वो फोत हुई है ना, उसने पर्चा भी हम पर कराया और हमने अपने हाथों से उसको गाड़ी पर पाया, हमने नहीं उसको कत्ल किया, हमारे पर इल्ज़ाम आया। उसके बदले में उसने ये किया, हमारे साथ दो चार आदमी भेजे हमारे घर, भाई तुम हमको नहीं छेड़ो, हम नहीं छेड़ेंगे, हम घर ही से चले गए। उसने ये फ़ायदा उठाया कि इस टाइम आ गया, हमारे पूरा घर ही ख़त्म कर गया। सुनने में आया कि आपकी दरीना दुश्मनी थी, आपके दुश्मनी यही थे, एक फैर मेरे भतीजे को पहले लगा, कोई दरीना दुश्मनी नहीं थी, दरीना दुश्मनी उसकी है तो वो चकबेली के बाद आदमी है, उनको कत्ल किया। जिस टाइम वो दूसरे पार्टी हमलावर हुई है तो उस टाइम आपके घर में कोई मर्द हजरात कोई भी नहीं? नहीं, मर्द जो आए हैं ना जमानत करा के, वो एक इस घर में छुप गया है ना, वो उधर से गाड़ी में उतरे हैं, उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था, वो बुरी जमानत करा के आए घर में, वो छुप गए। असल में उनका जो टारगेट था वो भाई थे? भाई थे नहीं, आने वाले भाई नहीं थे, भाई का उनको पता ही नहीं है ये आ गए, उनको उनका बीवी के बदले में ना टारगेट बच्चे और औरतें थे, पलायन के साथ हुआ ये सब काम। तो ये आपके रिश्तेदार ही थे जिन्होंने? जी, हमारे इनके साथ बहुत क्लोज रिश्ते है, जो मेरी बीवी है उसकी खाला की बच्ची है, मेरी भरजाई है वो भी उसकी खाला की बच्ची है। अब आप क्या अपील करते हैं? हम ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें ये कहा गया था कि 24 घंटे आप कुछ भी नहीं करें, हमने क्या करना है, हमने उसकी कुछ दीवारें थोड़ी तोड़नी, वो किधर है किधर मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हमको जिधर तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। Okay.